पशुपति कुमार पारस ने अंबेडकर जयंती पर रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है और नीतीश कुमार से सीधे यह मांग कर दी है। और भी बिहार से जुड़ी हुई तमाम राजनीति को लेकर वह बात कर रहे थे पशुपति कुमार पारस, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, और ऐसी तमाम बातें क्या कुछ कह रहे हैं अंबेडकर जयंती पर और रामविलास पासवान को लेकर, और साथ ही तमाम बातें सुनेंगे इस वीडियो में। भूषण कुमार जी लिखते हैं उसे मैं बोलता, हम लोग बोलते हैं भूषण राय जी, उनको मैं शहर से पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, जयंती समारोह है, और जहाँ तक बोलते हैं कि स्मरण है, 121वां जयंती समारोह है, 121वां जयंती समारोह है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गरीब परिवार के पिता जी, बहुत ही गरीब परिवार में थे और भाई बहन में सबसे छोटे भाई बहन थे। अरे भाई उधर से दाब रहा है भाई, तो अलग परेशान है। उन्होंने कहा मैं मिलकर देश छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा संविधान कहाँ है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा संविधान मेरे पास में है और उन्होंने संविधान के उपयोग के लिए लिखा है, और 26 जनवरी 1952 संविधान का गठन हुआ, संविधान का गठन हुआ, संविधान इस दिन से देश में लागू हुआ, 26 जनवरी से 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ, उस दिन से आज तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान बनाए, और संविधान पर आप पूरे भारत के लोग आज उनको संविधान का आंदोलन करते हैं, उसको पूरा देश करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें खास करके शोषित गरीब पिछड़ा अकैयत और जो हमारे इंडिया के लिए थे सभी को समान दृष्टिकोण से देखते हुए उन्होंने सबके हित की बात होने की, तो चूंकि वो गरीब परिवार में पैदा हुई थी और उस जमाने में हमारे देश में स्वाचुत की परंपरा भी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जो वो सरकारी और दफ्तर में काम करते थे, तो बहुत लोगों ने उनसे स्वाचुत की भावना भी रखा, लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूरे देश में और सबों के लिए खड़ी हुई है। सब लोग, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी जात धर्म के लोग हो, पूरे देश में सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूजा करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं, पूरी तिथि मनाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। 89 में जब देश में स्वर्गीय पीपी सिंह जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और स्वर्गीय पीपी सिंह जी के देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय पद्मभूषण श्री हमारे प्रिय भाई साहब श्री रामविलास पासवान जी भारत सरकार के लेवल वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए थे, और उस समय उन्होंने अपने कलम से पीपी सिंह जी से कहा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलाया, उन्होंने पहली बार भारत रत्न की उपाधि स्वर्गीय पासवान जी के कलम से पीपी सिंह जी के नेतृत्व में उनको दिलाया गया। दूसरा, सेंट्रल हॉल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं थी, सेंट्रल हॉल में मूर्ति पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगवाया गया, और उसके अलावा आज जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को पूरे देश में सरकारी छुट्टी घोषित किया गया। ये हमारे बड़े भाई साहब का गृह का सभी रामविलास पासवान जी का, जिनके चलते आज पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और सभी धर्म के लोग उनकी पूजा भी करते हैं, उनका जयंती भी मनाते हैं। आज के माध्यम से आज जो व्यक्ति जो रामविलास पासवान जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को इतना बड़ा सम्मान किया, आज वो खुद हम लोग के बीच में नहीं है, ये हम लोग के लिए खास के देश के लिए बहुत ही खड़ी है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुकरण में रामविलास पासवान जी को देश का सकल अम्बेडकर माना जाए, तो ये देश में दलित समाज नहीं सभी समाज के भर के लोग उनको चाहते थे, सकल अम्बेडकर के रूप में उनको लोग मानते थे, और मैं शुरू से ही बिहार सरकार से मांग करता हूँ, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ, आज ही मैं मांग करता हूँ, पत्र भी लिखा है और उनसे मांग करता हूँ कि स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, और बिहार सरकार खास के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि बिहार सरकार कैबिनेट से प्रस्ताव पास करें कि सेकेंड अम्बेडकर रामविलास पासवान जी को और भारत सरकार के पास प्रस्ताव पास करके भेजें कि पासवान जी को
भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दूसरा मेरा निमंत्रण है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है और उन्होंने आश्वासन भी किया है। दूसरा मेरा निमंत्रण है कि स्वर्गीय पासवान जी के हाजीपुर में, क्योंकि हाजीपुर की सेवा उन्होंने सोलटी सेवन से लेकर पंद्रह प्रांत तक की, लगभग 43-45 वर्ष तक हाजीपुर की सेवा उन्होंने किया और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला और दो बार हाजीपुर का नाम भी उनका दर्ज हुआ। तो हाजीपुर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पासवान जी बोलते थे कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं हाजीपुर की सेवा करते रहूँगा। उसी सेवा का फल है कि उन्होंने जब वो राजसभा चले गए उन्होंने उसको कहा कि पारस तुम ही हाजीपुर की सेवा कर सकते हो, हाजीपुर हमारी माँ है। और मैं भी घोषणा किया हूँ हाजीपुर में कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा NDA गठबंधन में रहूँगा और मैं जब तक जिंदा रहूँगा हाजीपुर की सेवा करूँगा। तो मेरा दृढ़ निवेदन है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि आप जो 43 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने हाजीपुर की सेवा की, सेवा तो उन्होंने पूरे देश की, क्योंकि 43 वर्ष तक जो वहाँ का प्रयोग किया उस व्यक्ति के नाम से निश्चित रूप से हाजीपुर में एक बड़ा प्रतिमा लगाते ही, बड़ा मूर्ति लगाते ही भारत बिहार सरकार के द्वारा मूर्ति लगाते ही, उन्होंने आश्वासन भी किया है मैं मूर्ति लगाऊंगा। दूसरा तीसरा मेरा मांग है कि 5 जुलाई वो स्वर्गीय पासवान जी का जन्मदिन है, 5 जुलाई को उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि 5 जुलाई को उनके जन्मदिन पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर सरकारी समारोह मनाया जाता है, उसी तरह से स्वर्गीय पासवान जी के नाम पर 5 जुलाई को सरकारी समारोह मनाया जाए। और एक लास्ट मेरा निवान है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसे पूरे देश में अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में बहुत संग्रहालय बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से, न्यू रेडी भवन के बगल में बहुत संग्रहालय बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से, और जहाँ उनका जन्म हुआ था मऊ में वहाँ भी उनके नाम से बहुत बड़ा समाधि बनाया गया है, बहुत बड़ा मकान बनाया गया है, और जहाँ उनकी शिक्षा हुई थी लंदन में वहाँ भी उनके नाम से स्मारक बनाया गया है। तो मेरा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पटना की राजधानी में, पटना में भी निश्चित रूप से राष्ट्रीय समाहरणालय बनना चाहिए, राष्ट्रीय संग्रहालय बनना चाहिए और दिल्ली के तरफ बनना चाहिए जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और आसाम जी के पूरे देश में आज जन जन के नेता वो थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है, इसलिए मैं सोचिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, स्वर्गीय पासवान जी और हमारे छोटे भाई स्वर्गीय राजेंद्र पासवान जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ आप लोगों के माध्यम से। जय भीम, नारा लगाइए जय भीम, जय भीम, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे।